एंड अगेन फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेटामॉर्फोसिस में। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगी उसको लेके आया हूँ, और जिसमें है हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। और इसमें हमारे तीन पार्ट होंगे, आप तीनों पार्ट को बहुत बारीकी से सुनिएगा। इस वीडियो में कोई चीज़ छोड़ने का स्कोप नहीं है, तो मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ को स्किप करके मत बढ़ाइएगा, पूरा सुनते चलेगा, क्योंकि सब इंटीग्रेटेड वे में है उसके आगे। तो मैंने इस पूरी वीडियो को तीन भागों में बांटा है कि क्योंकि आप सभी लोग 18 को अटेम्प्ट करेंगे अपना एग्ज़ाम, और ये सभी के सपनों का एक तरीके से उसको पूरा करने का एक माध्यम है, और इसको इतने हल्के में हम नहीं ले सकते। तो इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाई है उसके हिसाब से इसे तीन भागों में बांटा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, जिसका नाम है बिफोर द एग्ज़ाम। अब आप सोचेंगे कि बिफोर द एग्ज़ाम क्यों? क्योंकि बिफोर द एग्ज़ाम ही वो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। मैं इतने दिनों से अपने सारी वीडियोस पे ये कह रहा था कि आपको इतने दिनों अपने को मेंटली ट्रेन करना है पढ़ाई की ओर, जो है एक बैलेंस माइंड से प्रिपेयर करके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेके अपने माइंड को बहुत कूल, काम, रिलैक्स और बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपका माइंड वैसा ही बिहेव करना सीखे और सारी चीज़ें पॉजिटिव लानी है दिमाग में। तो बिफोर द एग्ज़ाम में वो जो हमारी पहले की प्रिपरेशन थी वो तो है ही, अब हमें बाकी चीज़ क्या करनी है ये देखिए। तो सबसे पहले आप इन दो दिनों में कोई भी चीज़ हैवी ना खाएं, और बहुत ही सात्विक खाना खाएं, और हैवीनेस, स्पाइसी और इन चीज़ों से बचें, जिससे कि आपको कोई भी शारीरिक समस्या उत्पन्न ना हो। इन दो दिनों में आप बाहर जाने से बचें, जिससे कि कहीं पर भी कोई इंजरी या फिर कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई भी अनहोनी होने की आशंका कम हो। इन दो दिनों में आप फिज़िकली अपने को बहुत ही ज़्यादा ट्रेन करें, डीप ब्रीदिंग करें और पॉजिटिव सोचें, और विजुअलाइजेशन टेक्निक में आंखें बंद करके अपने को एग्ज़ाम में कूल, काम, कंपोज माइंड से एग्ज़ाम देता हुआ देखें, और अपना हंसता हुआ और खुशी वाला चेहरा देखें एग्ज़ाम हॉल में अंदर जाते वक्त भी, बाहर आते वक्त भी। और डीप ब्रीदिंग करें और वाटर का इंटेक बढ़ा दें, और आपका जितनी भी चीज़ें हों और जो डिस्टर्बिंग और थकाने वाली चीज़ें हों उनसे दूर रहें। सोशल मीडिया और लोगों से बात कम करें कि इतनी तैयारी क्या है, और हो सके तो ना के बराबर करें, और अपने काम कंपोज वर्ल्ड में रहें और पूरी तरीके से अपनी दुनिया और एम के प्रति एक हारमनी बिठाने की कोशिश करें, जो साइकोलॉजिकली बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली क्या तैयारी करनी है? फिज़िकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जहाँ भी सेंटर है अगर वो दूर है तो एक दिन पहले वहाँ जाके बस जाएं, प्लान कर लें, यानी कि कल आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए दिन तक, दिन में 2-3 बजे तक आपको वहाँ जाके रिलैक्स कर लेना है, और पूरी 7 से 8, 9, 10 जितने घंटे की नींद ले सकते हैं वो लें। और जहाँ पर भी आप जाएं, आप लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, हम नई जगह पे आए हैं, थोड़ा घूम फिर लें, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ रिलैक्स और कंपोज होने आए हैं तो अपने को रिलैक्स कीजिए। बस अगर आपको हो सकता है तो एक बार सेंटर में देख के आ जाइए, और अपने एडमिट कार्ड और अपने आधार कार्ड, अपने पहचान पत्र, अपनी हर चीज़ को बारीकी से जाँच लें, परख लें और उसको रख लें अपने पास। 2-3 बार इसको देख लें, क्रॉस चेक कर लें, और अपना बैग बना लें, और जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है वो रख लें। इस पूरी किट में आपके 2-3 मेडिसिन ज़रूर रहेंगी, एक आपके बुखार की मेडिसिन रहेगी, एक सरदर्द की मेडिसिन रहेगी, एक डिसेंट्री यानी कि लूज मोशन और इससे रिलेटेड जो मेडिसिन होती है वो रहेगी, एक पेट दर्द की मेडिसिन रहेगी, एक तो अगर आप लो या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप उसकी मेडिसिन भी रखें अपने साथ, और अगर इसके अलावा आपकी कुछ इलाज वगैरह चल रहा है किसी चीज़ का तो वो मेडिसिन रेगुलर वाली लेनी ही लेनी है। ये आपको फिजिकली बिल्कुल प्रिपेयर होना है, और मेरी इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें कि आप टाइमली उस जगह पे पहले ही सेट हो जाएं। और दूसरी चीज़, आजकल मानसून सीज़न है तो आप अपने साथ एक छोटा सा फोल्डेबल छाता ज़रूर रखें, जिस अपने पर्स में जो आता है, जो आपके पर्स में आ जाता है और या आपके बैग में आ जाता है, इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ बारिश हो तो उस चीज़ के बचने के लिए भी आपके पास कोई उपाय हो, आप डिस्टर्ब ना हो और उस समय कहीं आपको भीगे कपड़ों से एग्ज़ाम ना देना पड़े। ये बहुत ज़रूरी सारी चीज़ें हैं
जो आपके लिए, अगर आपकी बहुत मजबूरी है और आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि कहीं रहने का कोई ठिकाना नहीं ले सकते, तो फिर आप इतना पहले किसी भी बस या उससे निकलें कि आपके वहां जाने के बाद भी 1.5-2 घंटे बचे हैं या 1 घंटा बचे, जिससे आप कूल माइंड हो सकें और खाली पेट एग्जाम देने ना जाएं। बिल्कुल हल्का खाना आप खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं हल्का खाने में पोहा ले सकते हैं, आप ले सकते हैं जिसे कहते हैं हम कॉर्नफ्लेक ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो हल्की हों। और आप लोग कभी भी भूल से जब ये जाते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हैवी आप कर लेते हैं कि पनीर पराठे खा लें या फिर बहुत हैवी पराठे खा लें और कुछ छोले भटूरे खा लेते हैं, ऐसे आप बिल्कुल ना खाएं सुबह के टाइम, क्योंकि आपको अपनी पूरी एनर्जी चाहिए पूरी तरीके से अपने माइंड के साथ और एग्ज़ाम के साथ। तो ये सारी आप प्रिपरेशन करके रखिए, और जो है क्योंकि आपका टाइम भी जो है 11 से है, 11 से 1, 11, 12, 1, 2 घंटे आपके जो हैं वो होने हैं, तो उस समय आपका लंच का कोई स्कोप नहीं है, आप ब्रेकफास्ट ही करके जाएंगे। तो हल्का ब्रेकफास्ट करें, लिक्विड ज़्यादा लें, जूस ले सकते हैं, तो इतनी चीज़ें आप फिज़िकली आप तैयार कर लें। कंफर्टेबल कपड़े पहनें, और अगर आपको जो है जो जूते हैं वो भी अगर आप कंफर्टेबल पहन सकें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये इस तरीके से आप फिज़िकली अपने को ट्रेन करें। अब आते हैं, ये थी बिफोर द एग्ज़ाम एंड, अब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको क्या करना है। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको सबसे पहले कम से कम 45 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाना है, उस पूरे माहौल को महसूस करना है, उसको बेसिकली वहाँ बैठना है। आधे घंटे पहले एग्ज़ाम हॉल में आप चले जाइए, बाहर किसी से कोर्स की बातें, तुमने कितनी पढ़ाई की है, मैंने ये पढ़ा है, ये आ सकता है, वो आ सकता है, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, मैं कैसा पढ़ रहा हूँ, नो स्ट्रेस एट ऑल। आप इतने दिनों से अपने दिमाग को सेव करते आए हैं तो आगे भी सेव करिए, क्योंकि इसी दिन तो आपका वो युद्ध है, उस युद्ध में आप बिल्कुल शांत दिमाग जाएं, इसके लिए आप बाहर किसी से डिस्कस ना करें बिल्कुल इस मामले में। हेलो हाय खुश वाली चीज़ें, हैप्पी कमेंट, कोई नेगेटिव भी करता उसको इग्नोर करके हैप्पी कमेंट करें और सीधे चले जाएं, हो सके तो भीड़ में डिस्कस करने से बचिए और सीधे क्लासरूम में बैठ के उस क्लास के माहौल को फील करने की कोशिश करें। अगर आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट आप में डीप ब्रीदिंग करते रहिए, 10-20 मिनट डीप ब्रीदिंग भी करेंगे तब भी आपका कोई नुकसान नहीं होना है, बहुत अच्छा रहेगा। डीप ब्रीदिंग करके आप बिल्कुल कूल हो जाइए, हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सुबह गेट में जाने से पहले अपना पहचान पत्र सारा, एडमिट कार्ड, ये सब रख लें, बाकी चीज़ें आपको अंदर ले जाने नहीं देंगे, तो एक्स्ट्रा कुछ लोड लेके जाने की कोशिश कम करें। फ़ोन वगैरह अगर आपके साथ कोई आया हो उसे दे दें, या फिर अगर बहुत ज़रूरी हो तभी ले जाएं। इस तरीके से आप ये चीज़ें करेंगे। अब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जैसे ही आपको पेपर मिलता है उसे अटेम्प्ट कैसे करना है, देखिए सारी चीज़ें अटेम्प्ट में होती हैं, और अटेम्प्ट में ही अटेम्प्ट जो करने की साइकोलॉजी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसमें गलती करते हैं तो याद करिएगा कि सारा पेपर पूरा आपकी तैयारी को पूरी तरीके से डेमोलिश कर सकता है, हानि भी नहीं कर सकता, पूरा तरीके से डेमोलिश कर देगा आपके 2-3 साल की मेहनत को, या 1.5-2 साल 6 महीने की मेहनत। तो इसलिए आप गौर से सुनिएगा कि करना क्या है। पहले आप जो अपना रोल नंबर है और उन चीज़ों को बिल्कुल साफ तौर पे बहुत सोच समझ के भरें और बिल्कुल देख के उसमें पूरा टाइम लें। ये भी एक फ़ायदा होता है, जो लोग टाइम से पहुंच जाते हैं वो लोग आराम से उसे भर लेते हैं, अगर जल्दीबाजी में कोई पहुंचता है तो वहाँ भी गड़बड़ी कर सकता है, क्योंकि इसमें मिटाने या स्क्रैच करने का कोई स्कोप नहीं है, तो इसलिए ऐसा स्कोप हम लाने की नौबत ही ना दें। अब क्योंकि अगर आपका गड़बड़ हो जाता है फिर आपसे थोड़ा वो बहस करता है इन्विजिलेटर, फिर आप थोड़ा उससे लग जाते हैं, वो आपको थोड़ा सुना भी देता है, आपका मूड ख़राब हो जाता है, इससे बढ़िया ऐसा काम ही क्यों करें, क्यों मूड ख़राब करें। और अगर वो और बुरा हुआ बोलने में तो आप भी कुछ बहस पे उलझ पड़ेंगे। दिस इज़ नॉट एसेंशियल, दिस इज़ नॉट नीडेड, वाई टू जनरेट दिस सिचुएशन, इसलिए इस सिचुएशन को जनरेट ही नहीं करना है, आराम से भरिए, क्योंकि उसी से आपकी कॉपी चेक होगी, गलती मत कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह क्रॉस चेक कीजिएगा।
उसके बाद अगर कहीं कंफ्यूजन है अपने मन से नहीं, बिल्कुल पूछ के भर लीजिए, लेकिन गलत मत भरिएगा। उसके बाद जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो अब आपकी शुरू होती है सबसे मेजर परीक्षा। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर वन, आप अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन पहले अटेम्प्ट कीजिए। अब आप कहेंगे सर वो तो मिक्स पेपर आएगा, मिक्स पेपर आएगा तो क्या हुआ, तुम्हें इतना तो पता ही है किस सब्जेक्ट का है। आप जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं अपने पोर्शन से अटेम्प्ट करना शुरू करिए। मान लिया आपका लिटरेचर है इंग्लिश में बहुत अच्छा, तो आप इंग्लिश लिटरेचर से स्टार्ट कीजिए और उसके सारे क्वेश्चन उठाते चले जाइए। अगर बीच में कहीं पर मिक्स होके कोई ग्रामर का क्वेश्चन आ गया और आपको लगता है ये तो मैंने पढ़ते ही आ गया यार, ये तो मैंने पढ़ा है, तो लगा दीजिए, और नहीं तो उसको छोड़ के आप लिटरेचर पर ही फोकस कीजिए और लिटरेचर को पढ़ते जाइए, लगाते जाइए। लगाना कैसे, एक हल्का सा डॉट लगा देना आगे, हल्का सा पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद अब कोई कहता है सर वहाँ तो कोई पेंसिल नहीं चलाने देते, ऐसा कुछ नहीं है, जब आप रफ कॉपी में पेंसिल चला सकते हैं, ठीक है, उसमें भी एक हल्का सा, हम कोई बहुत बड़े बड़े निशान लगाने की नहीं कह रहे हैं, एक डॉट लगाने के लिए कह रहे हैं, जिससे वो डॉट भी इतना जो आप ही देख सकें हल्का सा, कि हाँ भाई ये बाद में मैं भरूंगा, क्योंकि उसी समय भरते रहना बहुत ज़्यादा वो हो नहीं पाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। और इस लिटरेचर के या किसी भी पेपर को जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको अटेम्प्ट करते वक्त आप वो क्वेश्चन सीधे सीधे करते चले जाएंगे जो एक नज़र में आपको आ रहे हैं और आप सीधे सीधे कर पा रहे हैं, जिसमें सोचने का कोई स्कोप नहीं है। जैसे ही आपने लिटरेचर कर लिया तो अब आप दूसरा जाएंगे ग्रामर पे। ग्रामर में आप करिए, और सोचने का जहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, सीधे सीधे आ रहा है, जहाँ पर आपके माइंड को जरा भी भिड़ना नहीं है, वो वाले क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक ऐसा ही बायो वालों के साथ भी चलेगा, केमिस्ट्री वालों के साथ भी, फिजिक्स वालों के साथ भी, जहाँ सोचने का कोई स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा भिड़ना नहीं है क्वेश्चन से, सीधे सीधे आपको आ सकता है, वो वाले क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर लिए। अब आएंगे आप तीसरे नंबर पे, जब आपने दो चीज़ें अपनी कर ली तो तीसरे नंबर पे किस पे आना है, तीसरे नंबर पे आप आएंगे, देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, पेडागोजी पे। पेडागोजी पे आप तीसरे नंबर पे आएँ, और अगर आपकी पेडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप पेडागोजी पहले कर सकते हैं, ये आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन पे ही आपको जाना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन से शुरू नहीं किया और कहीं कमज़ोर पोर्शन से कर दिया या कुछ ऐसी चीज़ों से कर दिया अपने हिसाब से, और वो क्वेश्चन कहीं आपके टफ आ गए या गड़बड़ा गए, आपको नहीं आ रहे हैं, तो याद रखिए आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि आप एक अंडर प्रेशर आ चुके होंगे सबकॉन्शियसली, कॉन्शियंस में कहीं पर डर आ जाएगा, उस डर पे नहीं जाना है अभी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोबारा या तिबारा सोचने वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करने, जो सीधे सीधे आ रहे हैं वो कर दिया आपने। उसके बाद पेडागोजी में आए, और पेडागोजी में भी उसके बाद पेडागोजी में आए, पेडागोजी में सीधे सीधे अटेम्प्ट करने वाले आपने कर लिए। जब ये हो गया तो अब आप आएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रीजनिंग पे। 8-10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, लेकिन क्योंकि रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है तो कई लोग सोचते हैं रीजनिंग को लास्ट में रख लें। नो, ये मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में रीजनिंग में करते करते आपका माइंड भी सोचता है कि जल्दी जल्दी करूँ सारे क्वेश्चन निपटाने, उधर से एग्जामिनर भी कह रहा होता है इतने मिनट, तो आप नहीं कर पाते हैं और सारे नहीं निकल पाते हैं, और जो आते हैं उसमें भी जल्दीबाजी में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो रीजनिंग को बीच में लाइए, रीजनिंग के 8-10 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कूल माइंड के साथ हो सके तो 1 घंटे के बाद रीजनिंग को अटेम्प्ट कर लें। टाइम को ऐसे डिवाइड करें कि 1 घंटे के बाद रीजनिंग अटेम्प्ट कर लूँगा, तब अगर आधा घंटा भी रीजनिंग में लगा तो आधा घंटा मेरे लिए बहुत है जीके और बाकी उत्तराखंड अटेम्प्ट करने के लिए। और उसके बाद आप आइए जीके में और ये कर लीजिए, क्योंकि ये सब रीजनिंग के अलावा और हल्का सा ग्रामर के अलावा बाकी सब चीज़ों में क्या है कि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सोचना नहीं है, उसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। आप अगर आपको सब आते हैं 25 क्वेश्चन तो आप 25 मिनट से बहुत कम में कर सकते हैं, 10 मिनट में कर सकते हैं 25 क्वेश्चन, तो आपके पास पूरा आधा घंटा है, 25 मिनट बचे होंगे, यकीन मानिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपका जो सबसे स्ट्रांग पोर्शन है जिस पर आपको विश्वास है और उसमें कहीं पर आपको ये लगा था कि ये कुछ क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आपको लगता था कि मैं अटेम्प्ट करूंगा थोड़ा सा तो निकाल लूंगा, उसमें वहीं पर उस समय हल्का सा निशान लगा दीजिए, और वो क्वेश्चंस को
आपने करना है और वो सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन में आपने निशान लगाए कम से कम 10-20% क्वेश्चन अब फिर से आ जाते हैं आपको, क्योंकि अब आप पूरा कर चुके हो और थोड़ा सा दिमाग भी फोकस है, कर सकते हैं। और इन सबको करने से पहले पेडागोजी और उन सबके निशान जो आपने लगाए थे वो ओएमआर में भर लीजिएगा। तब सारा भरने के बाद आप अब लास्ट में उन क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चन आपको लगता है थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आ जाएंगे। तो आपको जो है, मान लिया आपको बहुत खुश हुआ आपके पास 5-10 और क्वेश्चन जुड़ गए, उनको भी आपने भर लेना उसके बाद। अब आप जितना कुछ अच्छी तरह जानते थे, जितना थोड़े एफर्ट के साथ और कर सकते थे, प्रेशराइज हो सकता था माइंड, थोड़ा प्रेशराइज करके कर लिया, ये सब आपने ओएमआर में भर लिया है। और अब आप आश्वस्त हैं कि इतनी चीजें मैं कर चुका हूं, अब मैंने जो फोक जिसमें जूझना है उन क्वेश्चन पे जाना है, तो क्यों ना उससे पहले ये सब भर के मैं गिन लूं कि मेरे ये सॉलिड कितने हो रहे हैं। आपने गिन लिए तो मेरे दोस्त यकीन मानो, अगर आप मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप 70-75 या 75 क्वेश्चन सही कर चुके हैं आपके हिसाब से, तो आप बहुत अच्छी मेरिट में हैं और आपके आने के पूरे चांसेस हैं। कैसे? मान लिया मेरिट 85 भी गई, बहुत इजी क्वेश्चन आया, तो भी आप हैं। मान लिया मेरिट लो गई, तो भी आप हैं, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो ऐसे में लोग उल्टा काम करते हैं, इसी से सतर्क रहना। लोग क्या करते हैं, जब बहुत अच्छे सॉलिड कर लेते हैं, मान लिया 80-75, तो कहते हैं अब मैं बहुत अच्छे निगेटिव मार सकता हूं, और वो 10-12 या कैलकुलेट करके 20 निगेटिव मार देते हैं। जितना बढ़िया आपका सॉलिड स्कोर होगा, उतने कम से कम निगेटिव कर देना। जितना आपका कम स्कोर होगा, अब आप ना मान लिया आपका 50 ही स्कोर हो रहा है सॉलिड, तो भाई अब आप रिस्क लेने की उसमें हो, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी बहुत ज़्यादा उसमें हैं, किसी बहुत टफ पेपर आया और आप SC ST या फिर इसमें हैं जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है, तब तो आप थोड़ा सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन में भी नहीं है, पेपर भी टफ नहीं है और आपने 50 ही सॉलिड किए हैं, तो भाई आपको फिर तो रिस्क लेना पड़ेगा, फिर आप करेंगे भी क्या, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितने ज़्यादा आपके सॉलिड हैं, उतना निगेटिव मार्किंग को कम कर दीजिए, याद रखिएगा। यही सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, ज़्यादा होते हैं तो सोचते हैं अब मैं 10-20 निगेटिव कर सकता हूँ। नो, 5 में कर दो, 4 में कर दो, ना ज़्यादा निगेटिव मत मारना, गड़बड़ हो जाएगी। अब 50 हैं और आप ना कैटेगरी में हैं, ना पेपर टफ है, तो मारिए फिर आप निगेटिव। लेकिन निगेटिव मारते भी दिमाग लगाइएगा कि हम बड़ा ABCD भगवान का नाम, गोलजू देवता, सैम देवता, ये मेरा आ जाए, ये ऐसा करके कुछ नहीं। यहाँ पर भी थोड़ा टेक्निकल खेल करो, सारे सी लगाओ। सी में आपके 5-6 सही होने के चांस हैं 20 में से भी। क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी लगाओ, आप अपने हिसाब से रखो, मैं अपना फंडा नहीं दे रहा हूँ, पर उसको एक ही रखना, क्योंकि एक रखने में आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सही होने की। अलग अलग करोगे तो हर समय वही गलत निकल सकता है जो आपने किया। एक रखने में कुछ तो चांसेस आएंगे जब वो वहां पर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी का खेल खेलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ये याद रखना कि आप अगर अच्छा स्कोर कर रहे हैं सॉलिड, तो निगेटिव बिल्कुल कम, कम नहीं बिल्कुल कम, ठीक है। तो ये आपके लिए फंडामेंटल है जो वहां करते। अब लास्ट में जो 10-15 मिनट बचे हैं उसमें जूझ लो, अगर कहीं पर इंटेलिजेंट गैस कर सकते हो, या जूझ के क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ट्रिक खेल सकते हो, तो ये सारी चीज़ें करिएगा दोस्तों। और इस होप के साथ कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, कूल माइंड से, रिलैक्स माइंड से आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और पूरा एग्ज़ाम अच्छी तरह दे के आएंगे, मेरी बातों को ध्यान रखेंगे, आप सभी अपने सपनों को साकार करेंगे। मेरी ओर से सभी के लिए ऑल द बेस्ट, और नागेंद्राज मेटामॉर्फोसिस आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए, आपके लिए हमेशा तैयार है। आप फ़ोन कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो, पर निगेटिव दिमाग से मत जाइएगा। और कल के दिन आप पूरा रेस्ट कीजिएगा, सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल मत खोलिएगा कुछ। यकीन मानिए, अगर आपने खोला तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आई होप कि आप ये सब करेंगे और इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।